वर्ष 2014 में एक तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। हुदहुद नाम के इस तूफान ने आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई थी। 6 अक्टूबर को अंडमान निकोबार में दिखाई देने के बाद 12 अक्टूबर 2014 को बंगाल की खाड़ी में इस तूफान की अधिकतम गति 215 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसी रफ्तार से विशाखापट्टनम से टकराया था। इसके चलते आंध्र प्रदेश में 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। इसके एक दिन पूर्व उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा और तेज हवाएं चली थी। तूफान के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरते वक्त इसकी गति 155 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। छत्तीसगढ़ पहुंचते तक इसकी गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रही। इस तूफान ने बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी व्यापक असर डाला था। अब एक और तूफान हिंद महासागर में मौजूद है। अम्फान नाम के इस तूफान को बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है। यह 2014 में आए हुदहुद से ज़्यादा और 1999 में आए महाचक्रवात से कुछ कम शक्तिशाली होगा। NDRF इससे निपटने के लिए ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों से जगह छोड़ने की अपील कर रही है ताकि लोग जल्द से जल्द अपनी घरों को छोड़कर बनाए गए शरण स्थलियों में चले जाएं। उधर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में प्रचंड चक्रवाती तूफान अम्फान के मंगलवार दोपहर तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में कमजोर पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम दीघा से 670 किलोमीटर दूर स्थित यह तूफान पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा। आज दोपहर या बुधवार शाम को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेकर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। बताया जा रहा है कि तटों से टकराने से पहले इसकी प्रचंडता कुछ कम होगी और हवाओं की गति निरंतर 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे बने रहेगी, जो बीच बीच में प्रति घंटे 180 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर प्रति घंटा 240 से 250 किलोमीटर की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं की स्थिति बन रही है। साथ ही बताया गया कि मंगलवार शाम तक यह गति घटकर 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी, जिसमें कभी कभी 230 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आगाह किया है कि कोलकाता, हुबली, हावड़ा, दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कई स्थानों पर रेलवे एवं सड़क मार्ग बाधित हो सकते हैं, बिजली एवं संचार के खंभे उखड़ सकते हैं। चक्रवाती तूफान का प्रभाव जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों समेत उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों पर भी पड़ेगा। अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया के साथ ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद सहित कई जिलों में मध्य और तेज बारिश के आसार हैं। अम्फान प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा द्वीप तथा बांग्लादेश के हतिया द्वीप समूह के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है, जो 195 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। NDRF ने बंगाल में कुल 53 टीमें तैनात की हैं। इनमें से कुछ को स्टैंड बाई पर रखा गया है। बंगाल में 19 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 4 स्टैंड बाई पर हैं। वहीं ओडिशा में 13 टीमें तैनात हैं और 17 स्टैंड बाई पर हैं। NDRF की एक टीम में करीब 45 कर्मी होते हैं। इन सभी टीमों को जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई मार्ग से एक से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाएगा। NDRF के अनुसार कच्चे मकानों की कच्ची छतें, नारियल के पेड़ों, टेलीफोन और बिजली के खंभों को गंभीर क्षति पहुँच सकती है। इससे जान माल की क्षति होने की भी आशंका है। इसकी जानकारी सभी राज्य सरकारों को दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।